हेलो फ्रेंड्स, आज वापस से हैशटैग आस्क ट्रिपल आईएम का एक सवाल हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट व्यूअर, हमारे जो दर्शक हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उन्होंने हमें एक सवाल पूछा है और ये सवाल के बारे में हमने कई बार प्रश्न के जवाब दिए हैं वीडियो बना के भी, पर ये थोड़ा सा अलग प्रकार का है, इसलिए मैंने ये सवाल आज चुना है कि मैं आपको इसके बारे में भी बताऊं। ये हमारा सवाल है सी ए जितेंद्र कक्कर से और जितेंद्र जी हमें पूछ रहे हैं, RCMC इज रिक्वायर्ड फॉर गुड्स एक्सपोर्ट ओनली और रिक्वायर्ड फॉर सर्विसेज एक्सपोर्ट ऑल्सो। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ जितेंद्र जी, आपका सवाल अच्छा है, वेरी नाइस क्वेश्चन, एंड आई थिंक दैट अ लॉट ऑफ पीपल शुड बी अवेयर कि गुड्स एंड कमोडिटीज यानी कि मर्केंडाइज एक्सपोर्ट के अलावा भी हमारे देश में बहुत सारे सर्विसेज एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सर्विसेज जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं एक आर्किटेक्ट हूँ, मैं सिर्फ ट्रैवल एजेंट हूँ, तो मैं दूसरे देशों से हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोगों को इन्वाइट करके उनको हमारा देश दर्शन करवाते हैं, तो ये भी एक सर्विस एक्सपोर्ट के अंदर ही आया है। आप सबको बहुत अच्छा लगेगा जान के, सबसे कॉमन सर्विस एक्सपोर्ट जो हमारे वहाँ है अभी, और आप सब ने कहीं ना कहीं उसके बारे में सुना होगा या काम भी किया होगा, दैट इज इंटरनेशनल कॉल सेंटर्स। सो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं जहाँ पे एक प्रोडक्ट नहीं है, यानी कि यहाँ पे एक कोई दिखने वाला प्रोडक्ट नहीं है, पर हम सेवा देते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, डॉक्टर हैं, ये हमें काफ़ी सारी सेवाएं देते हैं, तो ये सेवाओं के सामने हम वो सेवाएं हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है, उसके पास लाइसेंस है दूसरे देश में भी काम करने का, तो ये लाइसेंस वो लेके क्रिसमस के टाइम पे अमेरिका या लंदन या यूरोपियन कंट्री में जाके अपनी सेवाएं दे सकते हैं जबकि वहाँ के डॉक्टर्स क्रिसमस मना रहे हैं। सिमिलरली फॉर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्रिसमस के टाइम पे वो भी ऐसे सेवाएं दे सकते हैं, उनके पास भी एक लाइसेंस या एग्जामिनेशन देना जरूरी है उस देश में और वो कर सकते हैं ये काम, या फिर अपने क्लाइंट्स की ऑफिसेज होती हैं दूसरे देशों में, फिर भी वो वहां जाके उनकी ऑफिसेज का ऑडिट वगैरह कर सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं सर्विस एक्सपोर्ट के अंतर्गत। नाउ RCMC, व्हाट इज RCMC? RCMC इज रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये मिलेगा आपको आपकी रिस्पेक्टिव एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से। जैसे जितेंद्र जी हमें पूछ रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हुए कि मुझे कहाँ पे रजिस्टर करना होगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल कौन सी मुझे चूज करनी होगी फॉर सर्विस एक्सपोर्ट। उनको दो तरीके हैं उनके लिए। नंबर वन, अगर गवर्नमेंट बेनिफिट चाहते हैं लेना तो उनको सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल SEPC में रजिस्टर करना होगा, और अगर उनको सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्टर नहीं करना है फिर भी वो अपनी सेवाएं दे सकते हैं, और IEC कोड लेना उनके लिए बहुत ही जरूरी होगा, और फिर अपने इनवॉइसेस वो बैंक में दे सकते हैं कि ये मेरी सेवाएं थी विदेश में और विदेश से मैं इतना विदेशी पैसा करेंसी कमा के आया हूं और ये मेरा एक्सपोर्ट हुआ, तो ये आप जरूर से कर सकते हैं। यदि आपको ये इनवॉइस आपने बनाई, आपको उस इनवॉइस के सामने पैसे भी मिले पर आपने बैंक में दिखाया नहीं या आपने IEC कोड इंपोर्ट एक्सपोर्ट एप्लीकेशन नहीं की है, IEC कोड नहीं लिया है, तो ये एक्सपोर्ट नहीं गिना जाएगा इंडिया के अंदर। तो आपको RCMC से पहले IEC कोड लेना है एंड देन RCMC अगर आप चाहते हो तो। सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का हमारा एक वीडियो भी है जहां पे हमने डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का इंटरव्यू लिया है, मिस्टर डॉक्टर अभय सिन्हा। आप ये इंटरव्यू जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल पे देखें और समझे सर्विस एक्सपोर्ट क्या होता है, और सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन की काउंसिल भी आपको देखनी जरूरी है। आई होप जितेंद्र जी आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगर मिल गया है, अच्छी तरह से आप समझ गए हैं, तो जरूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को। थैंक यू वेरी मच।